Hi viewers, time to tag you another episode of Tag Time. हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई खबर या कोई ना कोई नई बात देकर आपके पास आती हूँ. गर्मियों का मौसम है, कनाडा में इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है. ओंटारियो में रहते हुए कल्चरल डाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज के सवालात बहुत अहम हैं. इसको लेकर के लोग चल रहे हैं और बहुत सारे वो काम जो हमारे हेरिटेज में बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड हैं, अब दुनिया भी उनको जानने लगी है. उन्हीं में से एक बहुत बड़ा काम योगा का है. योगा हमारे इंडिया का ट्रेडिशनल काम है, जिसके ऊपर आज बात करने जा रही हैं. हमारे साथ मौजूद हैं आर्ट ऑफ लिविंग की एक मेंबर, जो कि नियाग्रा में होने वाले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में हमारे साथ बात करेंगी. वेलकम टू माय शो मनिंदर ढिल्लन जी. थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस टू टॉक अबाउट आवर इवेंट. मनिंदर जी, हम बात शुरू से करेंगे. हाँ जी. बात इस तरह शुरू करेंगे कि ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, हाँ जी, पहले तो इसके बारे में बात कीजिए. हाँ जी. कि ये सब कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, हाँ, और इसकी वजह क्या थी? हाँ जी. अब जब से हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, उनका जो ही प्रैक्टिसेस योगा हिमसेल्फ, सो उन्होंने 2014 में यूएन की जनरल असेंबली में ये प्रपोज़ किया था कि सिंस योगा इज़ वेरी पॉपुलर एवरीवेयर, एंड क्यों ना हम एक सब डेज मनाते हैं किसी ना किसी चीज़ का, तो क्यों ना एक इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाए, ताकि इसके बारे में और अवेयरनेस लोगों को हो, बिकॉज़ इट हैज़ सो मेनी बेनिफिट्स. तो उनका उनको 175 मेंबर्स ने उनका सपोर्ट किया इस बात को. तो देन जून 21st वाज डिक्लेयर्ड एट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट ईयर, सो वी हैड अ बिग इवेंट लास्ट ईयर आल्सो एट द सेलिब्रेशन स्क्वायर में. पूरी दुनिया भर में 155 कंट्रीज़ में बहुत सारी इवेंट्स हुई इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए. तो इस साल हम सेकंड इवेंट कर रहे हैं. तो क्योंकि कनाडा में आपको पता ही है कि हम वीकडेज में इवेंट्स यूजुअली नहीं करते हैं, क्योंकि सब लोग बिजी होते हैं, इसीलिए दिस इवेंट इज़ हैपनिंग ऑन 19th ऑफ जून इंस्टेड ऑफ 21st ऑफ जून, विच इज़ द एक्चुअल योगा डे ऑफ योगा. सो नियाग्रा फॉल्स में हम लोग इस बार इवेंट कर रहे हैं योगा इवेंट. तो ये 19th जून को नियाग्रा फॉल में होने जा रहा है. हाँ जी. इससे पहले कि हम इवेंट की डिटेल्स पे जाएं, कि इसके पूरी डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, जो कि नाज़रीन जानना चाहेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं योगा की. हाँ जी. जब हम योगा की बात करते हैं तो योगा के बहुत मुख्तलिफ रंग नज़र आते हैं. हाँ जी, इसलिए कि हर चीज़ की तरह वक्त के साथ साथ योगा ने भी एक नया रंग और रूप, बिल्कुल, और स्पेशली कनाडा में रहते हुए अपनाया जी, है. हाँ जी. तो आप जिस योगा की बात कर रहे हैं उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? हाँ जी, हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने कोशिश हमारी यही है, हमारी फाउंडेशन की, कि योगा की जो ऑथेंटिसिटी है उसको कायम रखा जाए. क्योंकि आजकल वेस्ट में क्या हुआ है कि लोगों ने अपने अपने स्टाइल डेवलप कर लिए, विक्रम योगा, डायाना योगा, दिस योगा, दैट योगा, सो मेनी योगास, चॉकलेट योगा आई हर्ड. सो बट उसका क्या है कि योगा वेस्ट में आके सिर्फ फिजिकल फिटनेस बन के रह गया है. सो उसको दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट शेप ऑफ द बॉडी, के कैसे यू कैन ब्रिंग बॉडी इन टू शेप, एंड वेट लॉस, हॉट योगा का ट्रेंड हो गया है, एंड ऑल दैट. बट आर्ट ऑफ लिविंग योगा इज़ अ वेरी ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ योगा, जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनि उन्हें इसको शुरू किया था, तो वो हम प्रमोट करते हैं. इट इज़ अ स्पेशल स्टाइल दैट हैज़ बीन डिवेलप्ड इन आर्ट ऑफ लिविंग, कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग योगा. तो योगा बेसिकली मतलब क्या है? योगा से जहन में तो, हमारे जहन में तो एक्सरसाइज और स्ट्रेचेज ही आते हैं. yes. लेकिन अब नाजरीन ये जानना चाहेंगे, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि फिर योगा क्या है, कैसे आप बताएंगी कि योगा को आप कैसे ऑथेंटिक कहते हैं? हाँ जी, योगा इट्स एक्चुअली रियल जो इसका है प्रोनाउंसिएशन होती है योग, संस्कृत में इसको योग बोलते हैं, एंड वेस्ट में इसको योगा बना दिया है. तो योग का मतलब होता है यूनियन, मिलन.
यूनियन बिटवीन बॉडी एंड माइंड. बिकॉज आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी कहीं होती है, कहीं हम बैठे होते हैं, पर माइंड हमारा किसी और जगह पे होता है. और जब माइंड दूसरी जगह पे चला जाता है तो यूजली कहाँ जाता है? यूजली फ्यूचर में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है. जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं यूजली क्या होता है? वी फील एंक्शियस, वरीड, अफ्रेड कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. अगर पास्ट में माइंड ले गया हमें तो हम लोग कई बार रिग्रेट्स होते हैं, कई बार गुस्सा आता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, उसने मेरे को ये क्यों बोला, दिस एंड दैट. सो दोनों जब माइंड एंड बॉडी एक जगह नहीं होते, माइंड आप कहीं पास्ट में चला गया या फ्यूचर में चला गया, तो नेगेटिव इमोशंस मोस्टली आती हैं. सो वी एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस एंड वी गेट लॉस्ट इन दैट, राइट? तो जो ऑथेंटिक योगा है इसमें यूजिंग द ब्रेथ, ब्रेथ के साथ उसको जो योगा के पॉस्चर्स होते हैं उनको सिंक्रनाइज करके माइंड एंड बॉडी को यूनाइट किया जाता है. जब माइंड एंड बॉडी आर टुगेदर इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज़ व्हेन वी कैन रिलैक्स, दैट इज़ व्हेन वी कैन बी हैप्पी, दैट इज़ व्हेन वी कैन बी रेस्टफुल, बिकॉज लाइफ इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. बट माइंड लाइक्स us to live either in the past or in the future. So yoga ka matlab yahi hota hai ki it's not just physical activity. Yes, physical activity is also very beneficial. International Day of Yoga ka purpose hi ye tha ki yoga ke bare mein puri duniya mein awareness create ki jaye. To usko awareness create karne ke liye not everybody is interested in yoga, because बहुत बार क्या होता है कि योगा का नाम सुनते हैं, अभी तो थोड़ा पॉपुलर हो गया, पर पहले योगा का नाम सुनते थे तो हम सोचते थे कि नहीं ये तो हमारे लिए नहीं है, राइट? बट योगा एक्चुअली इज़ फॉर एवरीवन, राइट? एज यंग एज 5 years old कैन डू योगा, एंड पीपल कैन इन एनी एज कैन डू योगा. तो सब लोगों को इनवाइट करके, कोई एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड होता है, कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड होता है, कोई कल्चर में इंटरेस्टेड होता है, कोई डांस में होता है. तो दिस ईयर व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर कंबाइनिंग एवरीथिंग विद योगा. योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सिंगिंग, डांसिंग, कल्चरल इवेंट्स, अदर इंफॉर्मेशन, ताकि सब तरह के लोग आएँ और उनको हम थोड़ा बहुत वहाँ पे जो योगा का टेस्ट उनको दिया जाए, एंड उनको ये रियलाइज़ कराया जाए कि योगा इज़ फॉर एवरीवन एंड इट इज़ नॉट हार्ड टू डू एंड यू कैन स्टार्ट एट एनी लेवल. एंड योगा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि योगा इज़ डन अकॉर्डिंग टू योर केपेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी. फर्स्ट थिंग हम योगा की क्लास में बोलते हैं कि अपने शरीर की बात सुनो पहले, लिसन टू योर ओन बॉडी. जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना ही हो, ये नहीं कि टीचर वहाँ तक बेंड हो गया तो मेरे को भी होना है. यू ओनली डू एज मच एज यू कैन डू, स्टार्ट देयर, एंड जब आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे यू विल सी 2-3-4 वीक में ही यू आर एबल टू डू लॉट मोर देन यू वर व्हेन यू स्टार्टेड. तो जो योगा का इवेंट होने जा रहा है ये कब से शुरू होकर कब, कितना उसका दुरानिया है, कितना टाइम पीरियड है, और उसको आपने कैसे डिवाइड किया है, उसके अंदर एंटरटेनमेंट का सेगमेंट कैसे रखा है, किस किस्म की एंटरटेनमेंट है, वेंडर्स जो आ रहे हैं वो क्या लेकर के आ रहे हैं, लोगों को जानना चाहते हैं लोग, ताकि वो अपने दिन को उस तरह प्लान करें जिसके अंदर उन्हें पता हो. नियाग्रा फॉल्स जब आप जाते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है खाएंगे क्या, वहाँ पे अच्छा खाने को क्या मिलेगा, फिर दूसरा सवाल आता है अच्छा कितना खूबसूरत पानी है, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे, डे ऑफ लेंगे, चलिए शॉपिंग भी करेंगे. तो इस सिलसिले में आप बताइए कि वहाँ पे क्या क्या सहूलियात आपने एक दिन के लिए रखी हैं. जी, हम लोग एक्चुअली अबाउट 8,000 लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इसमें फ्री इवेंट इसीलिए रखा हुआ है. तो इसमें क्या है कि ये 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, सुबह 7:30 बजे, 7:30 से 9:30 बजे तक वी विल डेमोंस्ट्रेट योगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा एक्सरसाइजेस. तो उसके बाद फिर एंटरटेनमेंट का डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते रहेंगे. फिर 5:30 अगेन इन द इवनिंग वी विल हैव अ प्रोग्राम अगेन विच विल स्टार्ट विद योगा, बट देन इट विल बी इन द इवनिंग, इट विल बी मोर एंटरटेनिंग एंड कल्चर एंड डांसेस एंड थिंग्स लाइक दैट. तो 10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, रात 10 बजे, रात के 10 बजे तक.
तो वहाँ पे बहुत सारे फूड के स्टॉल्स होंगे, बहुत सारे शॉपिंग के स्टॉल्स होंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टॉल्स वहाँ पे लगेंगे, जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, तरह तरह का खाना भी खा सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं. दिस इज़ ए इवेंट फॉर द होल फैमिली. हम सबको यही कह रहे हैं कि अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने नेबर्स को इनवाइट करें, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करें, फ्रेंड्स को लेके सब लोग वहाँ पे आएं. नियाग्रा फॉल्स इज़ अ ब्यूटीफुल वेन्यू. तो नो डाउट अबाउट दैट. और वाटर इज वेरी रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सिंग. उसका जो फॉल का गिरने का एक मंजर है, जो आवाज़ है, और वो बहुत खूबसूरत. लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारे ख्वातीनो हजरात ये सोचते हैं इतनी दूर जाना है, मैं तो ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे तो मैं कैसे जाऊँगा. फिर बड़ी सारी फैमिलीज हैं ऐसी जो बाज़ात कहती हैं, अच्छा आज हस्बैंड ड्राइव करता है या वाइफ ड्राइव करती है, इनको छोड़ जाते हैं हम जाके, हमारे पास टाइम है, तो उसके लिए कोई सहूलत मौजूद है? हाँ जी, उसके लिए हम लोग बसेस की वो अरेंज कर रहे हैं. बट अगर आपको बस की ज़रूरत है, कि आप ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, तो आपको फ़ोन करना पड़ेगा कि बताने के लिए कि कितने लोग हैं, ताकि हमें पता चले कि हाउ मेनी बसेस डू वी नीड, कहाँ कहाँ से बसेस चाहिए. स्कारब्रो से लोग आना चाहते हैं, ब्रैम्पटन मिसिसागा के एरिया से आना चाहते हैं, डाउनटाउन से आना चाहते हैं, तो उसी जगह से हम लोग बसेस ऑर्गेनाइज करके फिर जो लोग हमें अपने नाम लिखवाएंगे उनको हम बताएंगे कि आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं. उसके लिए एक नंबर है 416-471-2829. इस पे आप नंबर पे फ़ोन करें तो आप अपना नाम लिखवा दें कि हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, एंड देन वी विल. और इसके साथ बता दें कि आप किस जगह से हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस जगह से लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, कितने लोग आपके साथ होंगे, किस जगह से आपको पिकअप की ज़रूरत है. और फिर उसके बाद हमारे वॉलंटियर्स आपको के साथ रब्ता रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना. तो ज़ाहिर है इस सब के अंदर, इस सहूलत के लिए कोई फ़ीस, कोई चार्जेस, पैकेजेस किस किस्म के? बस के लिए नॉमिनल चार्ज होगा. अभी हमें पता नहीं है कि कितने होंगे, बट जो भी लोग फ़ोन करेंगे उनको बताएंगे पहले, अगर आपको सूट करता है तो आप आ सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि कितने लोग, यू नो, वी आर हायरिंग मोर बसेज, वी विल गेट नेगोशिएट बेटर प्राइस विद देम. सो उस पर डिपेंड करता है सब कुछ. तो बट यही है कि आप, अगर आपको बस की ज़रूरत है, तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे फ़ोन करके अपना नाम वगैरह दे दें, ताकि हम उसका इंतज़ाम कर सकें. एक दफ़ा फिर से बताइएगा किस दिन हो रहा है. हाँ जी. और उसकी डेट क्या है और उसका टाइम क्या है, और इन्फो के लिए, हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के मुतल्लिक लेने के लिए किस से रब्ता किया जा सकता है, किस नंबर पे? हाँ जी, किया पहले जा तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को पहले रजिस्टर करवाएं ऑनलाइन जाके canadayoga.ca पे, canadayoga.ca पे जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करके तो आपको रजिस्टर करवा दें. तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी वेबसाइट से. और दूसरी बात है कि जब आप नियाग्रा फॉल्स में जाएंगे, वहाँ पे एक क्वीन विक्टोरिया पार्क है जिसमें ये इवेंट होने जा रहा है. ये इवेंट जो US वाला फॉल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट पार्क है, एक बहुत बड़ा, जहाँ पे ये इवेंट होने जा रहा है. जब आप नियाग्रा फॉल्स जाएँ तो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू गो. और नंबर जो मैं एक बार फिर से देना चाहूँगी, हमारे जो मेन ऑर्गेनाइज़र हैं भाविक पारिक, उनका नंबर है 416-471-2829. इस नंबर पे फ़ोन करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. और हम सबको यही कहते हैं कि आप सब लोग आएं, एक्सपीरियंस करें कि इतनी अच्छी जगह पे जाके कितना रिलैक्सिंग आपका मेमोरेबल एक्सपीरियंस होने वाला है. तो वो ख्वातीन हजरात जो भी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा, हमारे बड़े सारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े सारे लोग हैं, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, वो कंप्यूटर पे नहीं जाना चाहते, वो नहीं जा सकते, तो उनके लिए सहूलत मौजूद है कि वो आपके दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करें, तो आपके वॉलंटियर उनकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली. तो इसकी टिकट के लिए भी आपने कहा कि ये फ्री शो है, सारा दिन है, सिर्फ वहां तक पहुंचने का एक जिम्मेदारी है, वो भी आप बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर, मुनासिब उसके ऊपर उनको कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो, नहीं तो वो खुद आ सकते हैं. तो अब इस सिलसिले में आप एक दफा बता दीजिए कि दिन, आपने डेट कौन सी बताई? हाँ जी, ये 19 जून को, ये जो अभी संडे आने वाला है, संडे के का दिन है, 19 जून को ये प्रोग्राम हो रहा है नियाग्रा फॉल्स में. सुबह 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा,
और 9:30 बजे तक योगा प्रोग्राम होगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम चलते रहेंगे पूरा दिन एंटरटेनमेंट के डिफरेंट तरह के, और फिर 5:30 हमारे बहुत सारे डिग्नेटरीज वहाँ पे आएंगे, काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया विल बी देयर, और भी काफ़ी सारे डिग्नेटरी होंगे, और फिर शाम को बहुत रंगारंग प्रोग्राम होगा। तो 5:30 अगर आप सुबह नहीं पहुँच सकते हैं तो आप शाम के प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। मनिंदर ढिल्लन जी, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। इस पे बहुत बात हो सकती है, बहुत तफसीलन सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस इवेंट के हवाले से नाज़रीन को, हमारे व्यूअर्स को जो इन्फॉर्मेशन्स चाहिए थी वो मिल गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। ख़वातीन हज़रात, हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जिनका अब आकर हमें साइंटिफिक रीजंस के साथ जवाब मिल रहा है। योगा उन्हीं में से एक है, लेकिन हर चीज़ के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करने के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कैनेडा जैसा मुल्क जिसमें हम रहते हैं, इसकी आबोहवा ऐसी है जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि हल्की फुल्की वर्जिश आपके जिस्म को और आपके काम की तवानाई के लिए आपके जहन को थोड़ी सी तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। वो तंदुरुस्ती कैसे होती है? वो आपके ब्लड को मोटिवेट करने से, हर रोज़ चलाने से आपकी ज़िंदगी को बेहतर करती है। उसके लिए ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि एक बहुत खूबसूरत कल्चर वे के साथ चलती हैं। इनके साथ साथ ये मौसम है जिसके अंदर हम फैमिली एंटरटेनमेंट चाहते हैं, बाहर के अंदर बाहर रहकर खुश आबोहवा, खूबसूरत आबोहवा के अंदर ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, तो ये इवेंट इसी बात को लेकर के जहन में रख कर बनाया गया है। ज़रूर आइए, शायद कोई बात ऐसी लगे आपको जिससे आपको लगे कि आपको फ़ायदा है, एक बात भी सीख ली जाए, एक तब्दीली भी ज़िंदगी में हल्की सी लाई जाए, तो वो बहुत सारी तब्दीलियों का बायस होता है। इन अल्फाज के साथ मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.